हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कारमेशि फेशियल रेजर का रिव्यू देने वाली हूँ और इसे यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ। तो जो गर्ल्स या जो महिलाएं अपने फेस के हेयर को रिमूव करना चाहती है, धागे से कराने में दर्द होता है, फेशियल वैक्स स्ट्रिप का इस्तेमाल करने से भी दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि स्किन ख़राब ना हो जाए, तो फेशियल रेजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज मैं वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फेशियल रेजर लेके आई हूँ, जो कि है कारमेसी का फेशियल रेजर फॉर वुमेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकता है। मैंने इसे purple.com से लिया था एंड इसमें तीन आपको रेज़र मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। एंड अगर मैं इसके इसके प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसके डब्बे पे बहुत ही लाजवाब है। मतलब इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है, जिग जैग ब्लेड्स है एंड एंटी स्लिप ग्रिप है इसकी, जो कि बहुत ही अच्छा है सेव करने के लिए आपके स्किन के, यानी मेनली आपके फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए। प्रोटेक्टिव कैप दिया गया है कि इसमें कोई भी गंदगी या कोई भी धूल के कण ना जाए, जब आप सेव कर लें उसके बाद आप इसे अच्छे से बंद करके रख सकती हैं। तो गाइस देख सकते हो उसकी ब्लेड कितनी ज़्यादा शार्प है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, स्टेनलेस स्टील की बनी है, जिग जैग इसमें ब्लेड लगी हुई है जो कि आपके फेस के हेयर को अच्छे से रिमूव करती है। तो गाइज इस रेज़र की मदद से आप आईब्रो, अपर लिप्स, फोर हेयर, चिन एंड अपने साइड के गालों को एंड अपने पिच फज को रिमूव कर सकते हैं, हेयर रिमूव कर सकते हैं वहाँ का। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगी कि किन लोगों को फेशियल रेजर का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये वाला रेजर 299 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप इसे किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। एंड गाइस आगे वीडियो में क्या क्या बताऊंगी, मैं एक बार रिकैप दे रही हूँ। मैं इसे यूज़ करने का तरीका बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, इसके अलावा किन लोगों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए और आपको प्रयोग करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी है आपकी स्किन पर, और प्रयोग करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको स्किन पर करनी है। तो सबसे पहले स्किन प्रेप कर लेते हैं, यानी हमें अपनी स्किन कैसे प्रिपेयर करना है फेशियल रेजर करने से पहले। तो सबसे पहले आपको अपने फेशियल को फेस को क्लीन करना होगा, यानी एक माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करना होगा। आप मेरे द्वारा सजेस्ट किए हुए इन दो माइल्ड क्लींजर का भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपको उतना नॉलेज या आइडिया नहीं है तो। इसके अलावा आप कोई भी नॉर्मल पीएच का फेस वॉश भी यूज़ कर सकती हैं। एंड दूसरा आपको स्टेप ये करना है कि अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। गाइज आपको ये लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें क्यों करनी है, बट आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए और आपको कोई भी ऐसे ब्रेकआउट्स ना हो, स्किन टीयर ना हो, उसके लिए आपको ये जो स्टेप्स हैं करने होंगे रेजर इस्तेमाल करने से पहले। तो एक एक्सफोलिएट का आपको यूज़ करना होगा, या आप कोई भी स्क्रब ले सकते हो या DIY घर की कोई चीज़ों से ही आप स्क्रब कर सकते हो। तो 2 से 3 मिनट जब आप स्क्रब कर लोगे तो आपकी स्किन की जो डीपली गंदगी इंसर्ट है वो सारे बाहर निकल जाएगी और एक फ्रेश चेहरा आपके सामने होगा। अब आपका स्किन प्रिपेयर है रेजर इस्तेमाल करने के लिए, बट उससे पहले आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना होगा। मेरा सजेशन है वन ऑफ द बेस्ट, आप यहाँ पे एलोवेरा जेल इस्तेमाल करिए। आपको एक बार में ही एलोवेरा जेल नहीं लगाना है। सबसे पहले अगर आपको अपने साइड के बाल रिमूव करने हैं तो आपको एलोवेरा जेल पहले वहाँ अप्लाई करना है, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और आपको रेजर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेजर को कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं अपने साइड के बाल रिमूव करूँगी क्योंकि मेरे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं और धागों से निकालना या वैक्स स्ट्रिप से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया, उसको सूखने से पहले ही आपको इस तरीके से रेजर को लेके हेयर को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं मेरे जो छोटे छोटे हेयर से वो आसानी से निकल रहे हैं, बट जो जिनकी लेंथ ज़्यादा है वो आसानी से नहीं निकल रही है। तो मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो धीरे धीरे करते साइड के जो लंबे हेयर थे वो भी निकल ही गए थे। तो देख सकते हैं आप ये छोटे छोटे बाल आपको मैं टिश्यू पर निकाल के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और कितनी आसानी से मैंने कर लिया। क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी इसलिए मैंने वीडियो शूट किया कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि फर्स्ट अटैम्प में भी आप बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप हेयर रिमूव कर सकते हो। दूसरे साइड का भी करने के लिए मैंने अच्छे से एलोवेरा जेल को स्प्रेड किया और सेम वही प्रोसेस 45 डिग्री पे आपको रेजर को पकड़ना है। इसकी ग्रिप अच्छी है तो ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है, क्योंकि और कटना छीलना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देख सकते हो फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ बट बहुत ही मज़ा आ रहा था करते हुए। शुरुआत में थोड़ा सा डर रही थी बट धीरे धीरे देखो अपर लिप्स के भी कितनी ईजिली तरीके से मन ने कर लिया। बस थोड़ा सा आपको 45 डिग्री पे इसको पकड़ के रखना होगा, तभी अच्छे से हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो गाइज धीरे धीरे मैंने अपने दोनों साइड लॉक्स के बाल निकाल लिए, फोरहेड भी कर लिया, बट आईब्रोज मेरे से हुए नहीं। तो गाइज पहली बार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपर लिप, साइड लॉक्स, फोरहेड सब कर लिया बट आईब्रोज रह गए। एनीवेज उम्मीद करती हूँ कि आपसे हो जाए आईब्रोज, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। मैंने वीडियो शूट इसीलिए किया था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो गाइज़ अभी तो मेरा 2-3 बार मैंने और यूज़ कर लिया है और मैं काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुकी हूँ फेशियल रेजर में। तो आप देख सकते कितने अच्छे से हेयर रिमूव हो जाता है और बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और फटाक से हो जाता।
जाता है। लेकिन हाँ, और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि मैं बताऊंगी कि किन लोगों को कारमेशी फेशियल रेज़र इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे पिंपल पिंपल है, मुहासे हैं, दो तीन ही हैं, ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप यूज़ मत करिएगा, ये रेज़र आपके लिए नहीं है। ओके, तो स्ट्रिक्टली नो फॉर पिंपल एंड एक्ने स्किन। एंड अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, रेज़र इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गाइस, नेक्स्ट और सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि फेशियल रेज़र इस्तेमाल कर लिया, अब क्या। तो गाइस, मैं यहाँ बहुत ही ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि फेशियल रेज़र जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके 24 घंटे, या मैं कहूँगी कि पूरी रात, अगर आपने शाम में किया है तो पूरी रात भर आपको कोई मेकअप अप्लाई नहीं करना है, अपने स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए फेशियल रेज़र इस्तेमाल जब भी आपको करना है आप पहले ही कर लेना, क्योंकि जब आप फेशियल रेज़र इस्तेमाल करते हो ना, पूरा 24 घंटे का हाइड्रेशन चाहता है आपकी स्किन को, वरना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में बहुत से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते। जैसे ही आपने रेज़र कर लिया, उसके बाद आपको अपनी स्किन को बर्फ़ के पानी में, यानी बर्फ़ का ठंडा पानी अपनी स्किन पर डालना है, यानी अपने चेहरे को बर्फ़ के ठंडे पानी से धोना है। अगर सर्दी का मौसम है, क्योंकि मैं सर्दी के मौसम में कर रही थी, तो मैंने सिर्फ ठंडा पानी, नॉर्मल ठंडा पानी एकदम नल का ही ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था ठंडी में, और मैंने उसी से अपना चेहरा धोया। अगर गर्मी के मौसम में आप कर रहे हो तो बड़े से बाउल में बर्फ़ के टुकड़े डालें और पूरा मुँह उसी में डिप कर लें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी स्किन के लिए। तो जैसे ही आपने बर्फ़ के पानी से चेहरा धो लिया, उसके बाद आपको चेहरा पोंछ के मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, जो भी आपको सूट करता है, और बहुत ही हेल्दी अमाउंट का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। और ध्यान रहे, आपको रेज़र करने के बाद स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो मॉइस्चराइज़र मस्ट है। एंड गाइस, बस यही प्रोसेस करना है, एंड आप 24 घंटे तक कुछ भी मत करिएगा अपने फेस पे मेकअप वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।